ये बंस रोड है मेरी जान। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। ओ भाई ये बंस रोड में कहानी में बंदर आ जाए बंदर टॉप। मैं यहाँ पे फंस गया, यहाँ पे जगह भी लेना, वीडियो बनाना। ये है फ्रेस्को की जलेबी भाई, ये गर्मा गर्म खानदानी कचोरी है, रमजान में वीआईपी बनाते। अबे बातों बातों में ये तो बताने भूल गया कि बेगम को गाड़ी में छोड़ के आया हूँ और मैं वीडियो बनाने लग गया हूँ। हाँ तो ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक हैं? तो भाई आज हम निकल पड़े हैं इफ्तारी करने, वो भी आपकी भाभी के साथ, क्योंकि भाई रमजान आ गए हैं और अभी तक हमने जो है कोई इफ्तारी साथ नहीं की। आपको पता है कुछ पूछा मैंने कुछ, और हमने कहा पहली इफ्तारी साथ करेंगे, बाहर करेंगे और आप लोगों के साथ करेंगे। प्रैंक हो गया। वैसे जब आप अपनी बेगम के साथ होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि अच्छी तमीज की जगह पे जाएं। क्या सोच है रे तेरी? हमने ये सोचा हम करेंगे सड़क पे आज इफ्तारी। आए? सड़क बोले तो स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड बोले तो बंस रोड। हम जा रहे हैं बंस रोड और जरा देखेंगे कि शाम में बंस रोड का क्या माहौल है, जलेबी क्या बोल रही है, समोसा क्या बोल रहा है, पकौड़ा क्या बोल रहा है, दही बड़े क्या बोल रहे हैं, और उन सब के बाद आपकी भाभी क्या बोलेगी वो सुनना बड़ा जरूरी है। और हम आ गए हैं बंस रोड, यहाँ बड़ा रश है भाई माशाल्लाह। मैं आपको दिखा दूं ये देली रबड़ी, देली रबड़ी तो सबको पता ही है ना कि देली रबड़ी का सीन तो फिर ऐसा है कि आप खाएं और सो जाएं। ये किसी ने पजीरो जो है मेन बंस रोड पे लगा दी है और ये अब्बा जी की रोड समझा हुआ है यार, ये गलत है। और बंस रोड पे ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया है और ये बंदर आ गया। ओ भाई हटा ले, ओ भाई बंदर आ गया यहाँ पे, बंदर आ गया गाड़ी पे, बंदर बिठा लिया इसने। और बंदर ये है लेकिन हरकत बंदर वाला कर रहा है भाई। और ये बंस रोड के अंदर बंदर आ गया, अबे बंदर हटा हटा बंदर। ओ भाई ये बंस रोड में कहानी में बंदर आ गया, बंदर हटाओ, बस बस हटा लो। ये क्या था, उसने गाड़ी के अंदर ही बंदर डाल दिया। पार्किंग मुझे मिल गई है कैफे लजीज के बिल्कुल सामने, और पार्किंग यहाँ मुश्किल है ढूंढना भाई, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब मैं उतर रहा हूँ सड़क पे और आपको दिखाता हूँ कि बंस रोड पे क्या माहौल है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये रश, क्योंकि मैं आज मौजूद हूँ कराची के इलाके बंस रोड पे, और जहाँ सब इफ्तारी के लिए निकल आए हैं आप यहाँ पे बसेस देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ देख सकते हैं, बुरी तरह से यहाँ पे रश जमे। लेकिन मैं उतरने वाला हूँ नीचे और आपको दिखाऊंगा कि इफ्तारी का क्या सीन है यहाँ, क्योंकि ये बंस रोड है मेरी जान। तो ये कुछ सीन्स है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये फ्रेस्को है, और हम सबको पता है फ्रेस्को की जलेबी, फ्रेस्को की दही बड़े, और फ्रेस्को का हर आइटम जो है इसके लोग दीवाने हैं। और इफ्तारी में तो लोग यहाँ पे ऐसे निकल कर आए हुए कि भाई जैसे ये फ्री दे रहे हो ये महंगी भी देंगे, लोग तब भी लेंगे। तो मैं आपको दिखाऊं जरा क्रेजी रश फ्रेस्को पे कि फ्रेस्को का सीन क्या है और बंस रोड पे क्या माहौल है भाई। इतना रश है और कोई लाइन का चक्कर नहीं है, धक्का बेली है, जिसमें जान ज्यादा है वो ले लेगा, जो कमजोर है वो नहीं ले पाएगा। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, जरा आप चेक करें, जरा आप देखें भाई, फ्रेस्को के समोसों पे रश, पकौड़ों पे रश, दही बड़ों पे। दही बड़े आपको करीब से दिखा दूं जी, दही बड़े के लिए भाई, इनके दही बड़े कैसे होते हैं? अरे बेहतरीन, जब भी तो खुआरी दिल्ली लोग खुआर हो रहे हैं अबे। और ये दही बड़े की दही आप देख ले, सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। अच्छा मैं बता दूं ये दही बड़े 600 रुपए किलो है, और बड़े भी आ गए, बड़े भी आ गए, बड़े आ गए, बड़े आ गए, क्या बात है भाई, बड़े आ गए, बड़े ले रहे हैं, छोटा कोई नहीं ले रहा। हालांकि छोटा भाई वजीर आजम है, बड़ा भाई वजीर आजम नहीं है। यार पागलों वाला रश है, पागलों वाला रश, मतलब लोग धक्के दे रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ जिसमें जान है वो ले लेगा, जो कमजोर है वो नहीं ले पाएगा भाई। और जरा ये चेक करें भाई, बंस रोड का सारा रश जो है फ्रेस्को पे है और यहाँ निम्को वाले पे है, जरा इधर रश देखें आप। अरे अरे, और ये चेक करें अंकल निकलते हुए आ गए भाई, अंकल जीत गए आप, जीत गए अंकल। वैसे यहाँ पे कमजोर आदमी का तो काम नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मार खा जाएगा। और मैं यहाँ पे फंस गया, यहाँ पे जगह भी लेना, वीडियो बनाना। मेरा भाई ये है फ्रेस्को की जलेबी, आप देख रहे हैं यहाँ पे रश ऐसा है
जगह बनाना कोई आसान काम नहीं है भाई। कबाब मसाले। अच्छा इसके नाम क्या? कबाब मसाले। कबाब मसाले पसंद करते हैं? बहुत ज्यादा पसंद। अच्छा यहाँ पे कचौरी के अलावा ये क्या है? ये कीमत कचौरी है, वीआईपी है, बीप की मैं है, इंशाल्लाह ले जाओ इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत वीआईपी मजे की होती है। बिल्कुल वीआईपी। अच्छा भाई नहीं रात को भी ढूंढोगे लेकिन हम नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा चलो थोड़ी देर में आते हैं नमाज के बाद। ये यहाँ पे दही बड़े बेच रहे हैं? जी जी बिल्कुल। भाई कैसे आपके दही बड़े? घर के बने हुए, ताजा बने हुए। अच्छा भाई घर के बने हुए दही बड़े हैं तो आप यहाँ पे बंस रोड आओ तो ये जो चमकती हुई दुकानें हैं इनको थोड़ा सा छोड़ के जो ये भाई लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इनका सामान भी खरीदे। ये भी बड़ी मेहनत से और ये भी बड़ी दिल से काम कर रहे हैं। अबे बातों बातों में ये तो बताने भूल गया कि बेगम को गाड़ी में छोड़ के आया हूँ और मैं वीडियो बनाने लग गया हूँ। बेगम इंतजार कर रही होगी कि मेरे लिए क्या लेके आ रहा है, उसके लिए कुछ नहीं लिया मैंने अभी तक। फड्डा हो जाएगा फड्डा। अच्छा भाई यहाँ पे मैंने दही बड़े ले लिए फ्रेस्को से, अब मैं निमको से ले रहा हूँ, आलू के समोसे और पकौड़े और चिकन रोल। अच्छा भाई ये पैसे भी हो गए तो मैंने जो है अपनी थोड़ी सी इफ्तारी ले ली है। अब बेगम की तरफ जा रहा हूँ, बेगम को बहुत गुस्सा आ रहा होगा और मैं आपको दिखाऊं। होते हैं लोग जहां में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के, और ये भी एक खूबसूरती है मुसलमानों की कि जैसे इफ्तारी का टाइम आता है तो इन्होंने अपने गिलास रेडी कर दिए। जो यहाँ पे राहगीर है जिनको रास्ते में रोजा खुले वो यहाँ से रुक के शरबत भी पियेंगे और खजूर भी खाएंगे। और ये मुझे भाई ने जो है खजूर दे दिया, जज़ाकअल्लाह खैर। और मैंने सामने भाई को जो है ऑर्डर दिया था कि मेरे पकौड़े तैयार कर लेना, तो पकौड़े भी तैयार कर लिए होंगे मेरे भाई ने और मैं आ गया हूँ। जरा ये पकौड़ों का शॉट यार। वैसे मैंने रोल समोसे खरीद लिए निमको से लेकिन भाई को जबान दी है तो इसलिए लेना तो जरूरी है। मजेदार होंगे, खा के देखना उसको भी भूल जाओगे। यही वो कॉन्फिडेंस है जो इंसान को अपने पर होना चाहिए। और इफ्तार का सायरन आपने सुन लिया होगा, इफ्तार का वक्त हो गया तो भाई जरा मुझे खजूर दे दो। और खजूर मुझे दे दिया लेकिन बाहर खड़े होके खाएंगे खजूर और खाएंगे सीधे हाथ से। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वबी का मनतु वअलैहि का तवक्कलतु वअला रिज़्क़ी का अफ़तरतु। गाड़ी में आके बैठ गए, इफ्तारी मैंने कर ली बाहर आपने देख लिया खजूर से, और साथ में शरबत दिया ये सामने दुकान वाले ने। ठंड पै गई, सुकून आ गया अंदर, उड़े उड़े नजर लग गई, नजर लग गई, नजर लग गई। ये भाई दही और बड़े आ गए चम्मच के अंदर और जितनी मेहनत से मैं लेकर आया हूँ ना तो पहले तो मैं ही खाऊंगा। अच्छा जी नमाज का टाइम हो गया मगरिब की, तो इफ्तारी तो कर ली है, अब नमाज के लिए जा रहा हूँ। फिर नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद जो है कुछ खाना खिलाऊंगा आपकी भाभी को, क्योंकि इफ्तारी तो मैंने कैसे करी है ये आपने देख लिया है। तो भाई सरप्राइज का टाइम आ गया है और गाड़ी से हम आ गए हैं एक होटल के अंदर जो कि बंस रोड का सबसे फेमस होटल है, वहीद कबाब हाउस। और यहाँ का जो कबाब फ्राई है, और ये मेरा कहना है कि आप बंस रोड पे फ्राई कबाब ना खाएं तो आपने भी कुछ नहीं खाया। तो भाई वहीद के कबाब फ्राई आ गए हैं और अब हम ये खाएंगे और यहीं से आपको टाटा बाय बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपनी बेगम के साथ एक नहीं दो इफ्तारियां करने निकलो भाई। अल्लाह हाफिज़।